जो राठौड़ कैसेट के माध्यम से और आलमी हम जो नवीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, शायद इस प्रोग्राम से पहले हमने इस प्रोग्राम से पहले की कथा नदी बेतवा की लड़ाई के माध्यम से आपको दे दी है। और नदी बेतवा की लड़ाई से पूर्व दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज ने बनाफ और वंश के महाराज मलखान का खून कर दिया था, जिसकी लाश अट्टा में बिलख रही थी। और इधर सभी बनाफरों ने आकर नदिया पर पृथ्वीराज चौहान से घोर संग्राम किया है और नदी से विजय की पत्रिका लेकर सभी महोबे वाले जवान सिरसा की तरफ प्रस्थान करके चले हैं, जहां पर इनके भैया मलखान की लाश रखी है। और इनकी भाभी जो गजमोतिन है, ये अपने पिया की लाश की सुरक्षा कर रही है। तो लीजिए, पेश है आपके समक्ष आल्हा में गजमोतिन सती। आज समर भयंकर भाव न दिया बे, और जीते जंग कनौज राय कोई विजय पत्र लाखन जपाओ, मानी पिथिया राजन जोहार। और विजय को डंका बाजन लागो, उदल कहाँ न लगे थे मुसीख्या कोई, आज दोस्ती मेरी नदिया पे लाखन तुमन दई थी चुकाए। और तब ही लाखन बोलन लागे, लोहरे पूत दे बला क्यार कोई, मोहुआ गौ संग रहे को आंसू भरत कनौजी राय। और लाश धरी आज खुन खुन की, और लोहू से होदा भरो हमार कोई, लेके लाश नदिया में डालो लाखन कहाँ न लगे ते मुरझाए। खोलिया डाटे हाल सुपना नैन न बही दी नीरखी धारी, और जो जो सूर नदी पे जूझे तिनकी रथिया दई दी जलाई। ए चोबन नगाड़े की घन गुंजे आज नदिया पे दई दी सुनाई। नौजवान साथियों, इधर पृथ्वीराज चौहान से विजय की पत्र का लेकर महोबे के सब जवान खुशी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जानते हैं लोगों, दुनिया जानती है रे महल को जो परिहार गुंडैया तारे, अरे कान भनक महल के पर गई तब तिरथिया ते कही सुनाई। और लिख दे पाती या फिर लाखन को फिर के युद्ध दे ठहराई। और तबई केला बोला न लागो राजा सुनो धनिया चौहान, के घाबे न पुरे मानो शब्द वेद चौहान। और लाश धरी सिर सापत की उदल रोई रोई रहो भेरा, ए रड़िया गजमोतिन बैठी है बाइन का सती दे करवाई। तू या
लिख के ब्यूरा लिखत धनिया चौहान और मन के बढ़िया लाखन हो गए ना हर पूत तिलक दे ज्ञान और लिख दई पाती जो लाखन को फिर के उतर दो ठहरा और काल युद्ध हम तुम संग करें हरे प्राण समर में आए और 7 लाख फौज नदिया पे फिर बिरथियन दई चढ़ाए और लेके पाती दे हर कार और लाखन पे दऊ पठाए और बाजी पाती धड़की छाती लाली रही न पेछाए ए बब को लड़का देवे बालो नहर पूत दे बला क्या लाखन लाना की दम कायम तो नहीं बंद होते तलवार और पीछे सत्य हो सिर सामे हम तिरथिया के हने पिरान और बहिया गे के तब आलान और उदल से कही सुना मरे धरे मलखाने और मोहलत ले लो 5 रोज की उनकी सत्य देव करवारी और सती जग करके गज मोतिन को फिर डट डट के करो तलवार मेरी धीरे धीरे कथा ददाया गे पू बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा ददाया गे को बढ़ रही है आगे को बढ़ रही है कथा आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे कुइया धीरे हाँ धीरे धीरे कथा मेरे नौजवान साथी जिस वक्त उदल की आंखों में लोहू के कतरे आए हैं उदल के बड़े भैया मंडलीक ने उदल को समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि उत्सवे व्यस्त प्राप्त दुर्भिक्षे सत्र संकटे राज दरबारे शमशाने यस्त बांधवा उत्सव में व्यापार में और बुरे समय में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ये बुरा समय है उदल, पृथ्वीराज से जब तक हम मोहलत नहीं लेंगे और तब तक हम मलखान की लाश को चिता में दफना नहीं सकते। मेरे नौजवान साथी महोबे के सभी बना पर बैठ जाते हैं और अपने भैया की लाश को दफनाने के लिए पृथ्वीराज से मोहलत मांगने के लिए खत लिखने लगे। क्या लिखा है खत में? रोई रोई पाती रोई रोई पाती आल्हा ऐसे लिखी रहे जी ए जी जाके नैनन हमे गुइया नैनन बरसता नीर रोई रोई पाती आला ऐसे लिखी रहे मोहलती दे दे राजा 5 रोज की जी मोहलती दे दे मोई 5 रोज की जी फिर डटी डटी के करो तलवार रोई रोई पाती आला ए
लिख दिया है महोबे वालों ने खत, और जब समस्या ये आई कि खत लेकर जाएगा कौन, आला के लड़का इंदल को बुलायो है और उदल ने उसे पुचकार के अपनी गोद में बिठाया और क्या बोले बेटा, एक गोदी लेके आजो बेटा को बोलो देश राजा को लावे, अरे सिरसा सती करन के काज बेटा पाती दियो पठा, सुबारी घे तब नल कहे और जल कोरा कोरा हुई जा, और हाथी पछाड़े दरवाजे पे जबरन बेल्हा लई दी बिहार, और तिनके मरत आज दंगल ते इंदल नजर दिन को जा, इतनिया कह के रोवन लागो नैन न बहाती नीर की धार, और बहिया गए के तब उदल ने सुत इंदल को दाओ समझा, और सिरसा समर सती है बेहेल मरखियला सम्मल हारे ग्यारी, और सती जा करके निज चाची को करियो नदिया पे तलवार, और लेके चिठिया इंदल चल दो पहुंचो पिथिया राज दे जा, बाहर तमुआ के मुगदर को हेलत धांतु पड़े लखा, जिस वक्त इंदल ये खत लेकर पृथ्वीराज चौहान की सभा में पहुंचा है, और एक बात और बता दें लोगों आपको, ये जो धांतु था मंडली के पिताजी देशराज के बिंदु से पैदा था, लेकिन ये दासी गर्भ से पैदा हुआ था, और महाभारत और शास्त्र के अनुसार इसे कर्ण का अवतार बताया जाता है, और ये महोबे के वंश में पैदा होने के बावजूद भी पृथ्वीराज का साथी बन गया था। जब ये इंदल खत लेकर पहुंचा है तो धांधु के दिल में क्या बात आई, एक काकुल ही ना बना पर हो गए मिटिया भोजा बना फरला, और अकेले मलखे के मर गए मैं ना है ना होवे क्या, और भुजा फड़क रही है जब कुदरी में मानो उले उठिया तलवार, अरे बहिया गए के आज इंदल की तब धांधु ने कही सुना, और शर्म न आई तुमको बेटा आइए पिथिया राज मल्हारो गौ सिरसा में फौज हटते धनी चौहान, और आई गई सुद जब ने जब भैया की धांधु रोए रोए रो भैरा है, और बहिया गए के तब चाचा की सुत इंदल ने कही सुना है, मुए पांच रोज की मोहलत दे देव बात में डांड दिए भरवा है, और पिथिया राज के रे तमुआ में पोचो पूत बना भर गया, और यावत देखो तो जय नल को राजा ने छाती लो तो लगा, और आदि गद्दी पे नल है आदि डटे धनिया चौहान, और लेके चिठिया और हंस के पिरथी बोलन लागे इंदल सुन ले अरज हमारी, ओठों पर मुस्कुराहट लाकर पृथ्वीराज ने इंदल को क्या जवाब दिया,
ये खत लेकर तुम आए, शायद इस खत को लाने से पहले तुम ये सोचना था कि हमारी दुश्मनी दोस्ती नहीं, एक दुश्मनी उस दुश्मनी में बदल दी जाएगी। शायद लाखन को अभी तक ये पता नहीं कि पृथ्वीराज से झगड़ा मोल लेने का नतीजा क्या है। और क्या बोला चौहान? और न मालूम है बालाखन को है का चीज धनी चौहान, और राढ़ो न ये मेरो उदल से बजी है नदिया पे तलवार। समर में प्राण, अरे साबित लौट जाए कन बज तो मैया के दूध हराम। आंखों में लोग के कपड़े लेकर नल कहने लगा चौहान, अगर लाखन के लिए जरा भी शब्द गलत यूज किए तो उसका नतीजा क्या होगा। अरे हम लाए थे उन लाखन को हम नहीं बंधवाई तलवार, जो छतरी तेरे नदिया पे जो लाखन पे कसे कमाने। और बाद में सत्य हो चाची की दिल के मेट ले अरमान, अरे नग्न सिरोही सो सिर काटे भाजन बचो धनिया चौहान। सुन इंदल के बैन पेट में जाड़ो हुई है, अब तो सुन इंदल के बैन पेट में जाड़ो हुई है। जाड़ो हुई है आप, जाड़ो हुई है, अब तो सुन इंदल के बैन के भैया। जिस वक्त इंदल और पृथ्वीराज का यह वार्तालाप हुआ है, केला भाट ने पृथ्वीराज को परामर्श देकर सिरसा सम्राट मलखान की लाश को जलाने के लिए 5 रोज की मोहलत बनाफरों के लिए दे दी है, और ये सभी बनाफर नदी बेतपास से अपनी फौजों को लेकर जिस वक्त सिरसा की सीम पर पहुंचे हैं, दशा क्या है लोगों सिरसा की? आज लेखें जे फौजे उदल चली दए, और नदिया उतर गए बापार, आगे जो बढ़ के उदल देखत मर्दो ध्यान बिसर न जाए। ससकर स्यार साबर और सुअरा, और नाहिया सिंगान को एक छुपार, कोई सिरसा वाले मैदानन में लहसक लगन लगे ते अंबार। और समर भयंकर भव सिरसा में, लहसे डरिया डरिया पे लखाए, कोई ऊपर नजर उठी थी उदल की, तब जागन ते कही थी सुनाए। जैसे ही सिरसा पर सम्राट मलखान के किला के ऊपर उदल की नजर पड़ी है और जागन इनके करीब खड़े थे, उदल ने क्या जवाब दिया? हुई के उदल बोले, जागने अकली गई बोराई, अरे किलो कपट प्रगट ना कीनो तो मलखान मरो बतलाए। और देखो घूमत सात खंडा पे, कर से तेगर हो तो चमकाए, जका चौंद कोंदा सो हुई गो जाई परत फौज में जाए। आ
जो गज मोते निया बैठारी पति अपने की अल्लाह सरखारे और तेगा नगिन गहे ती कर में रजपूती घूमे सुबनाए तबई जागन बोलन लागे मामा सुनो बना भरला अब मलिखान ज्वान का जीवित सुख में बसे सुरग में जाए और ममा तुम्हारे बा नदिया की धूरा रही थी द्रगन बेछा अरे सत समारो मंडली कने दो फाटक पे धगा लगा अरे खुलियो फाटक दरवाजे को भीतर चल तो बना फरला और मेरे जियरा में भ्यासत ये बेरिन फाट कदो गिराए तो मैं धरी हतीर निन बेतिन में आगी दई लगाए गरजी तो पधरल दहलानी रजौन छिपत गौन में भान कई एक ज्वान मरे लाखन के कई एक कुंजर गए नसाए तबई संतरी लाखन जू को झंडा दो तो से दिखाए तमगा मानो गज मोतिन ने तो पे बंद नहीं करवाए और सुन सुन सोर घोर सिरसा में ही सन लगो पे दुलावार और मैया जान गई मलखे की आई है देश राज के लाल सुरजन चैतन्य दिनायवनी के आई ओरे ओ भैया राठौर ठौर अब तुमको मिल गौ है तुमको मिल गौ है ठौर जू तुमको मिल गौ है ओरे ओ सुरजन चैतन्य ठौर अब तो को हुई गौ है मेरे नौजवान साथियों शेरशाह पर सम्राट मलखान के फाटक खुले हैं और सभी महोबे वाले जवान अंदर जाने लगे हैं और जब गजमोदनी ये देखो है कि मेरे किला का फाटक खुल चुका है पृथ्वीराज चौहान के जवानों को समझकर जब तोप में आग लगाई है लेकिन उसी वक्त मलखान के दोस्त लाखन का संकेत पाकर गजमोदनी ने तोपे बंद कर दी और जब ये सभी जवान सिरसापत सम्राट मलखान की लाश के पास पहुंचे दशा क्या थी लोग उस वक्त मलखान की दुल्हन अपनी पिया की लाश को रखाई रही थी मलखान की मैया अपने मासूम बेटा की लाश को अपनी जंघा पर रख के सिसक रही थी आज निरखत भवन भयानक लागत जागत शोक सिंधु अभिराम कौआ रो बतुए सिरसा में मानो सिया हरन हुई जाए और जा पे बंगला नुन मलिखे को कागा रोए रोए की अमर राय और देखी दसाया जो सिरसा की रोइयो पूत देवला क्या रे और हिलकिया भरी भरी रोवे जर जर पूछो अटिया के मैदान और रखी तिला सबीर मलखे की मैया जाती रही रखाए और ठाड़ो बहोरन सुत मलखे को तब चाचा ते कही सुनाए गजमोतिन ने कही सुनाई और अब क्यों आए दिवर हमारे बारे पे राण दई करवाए और डंडे मिटे जिगर वे ठंडे मिलके कंथ दई मरवाए और बदी
ही जिगर में जब से बसे सिर सुबाया पर पूछत नाई हमें अब मल के बैठे किला बांधी अपवाए सासो मन की उदल कर दई मोजू रड़िया दो बनाए और लकी बंधी आज उदल की नैनन बात नी रखी धारी और वैसी बोली अब मत बोले भाबज पैया परे तुम्हारे और जब दल सिंधु झुको पिरथी को रिजगिर देती खबर लगाए जो भैया की रोवत खड़े बना फरला इधर तो मलखान की लाश को देखें सभी महोबे वाले जवानों की आंखन में आंसू है और तब तक मलखान को लड़का बहोरन उदल के पास आए गो उदल ने जैसे ही अपने भैया के लाल को देखो है आंखन में आंसू लेके उस मासूम बेटे को अपनी गोद में उठाए कि का पूछ लगे बेटा और चलती अबरिया मेरे भैया ने का तो बेटा दई बताई और रोए के सुत तब बोलन लागो चाचा सुनो बना भर लाल और करके जंग पिता पिरथी से एक दम गए अटा भया है और खोले गांसिया लो हाथन ते और धरती पे लो बिछाए खोलत तंग अंग भोड़ी लो भोड़ी ने दो तो प्राण गमाए और मरती बार बचन जू बोले मोयू दल को दियो दिखाए और इतनी कह के रोबन लागो तब उदल ने लो तो ठाए और मोए मिलइयो मेरे बबुला ते चाचा पैया परे तुम्हारे जब उदल उठ गो अट्टा पैसे और बंगला में पहुंचो जाए और सुनी दशा देख गद्दी की एक दम गिरत पाए फैलाए और काड़ कटारी को कमर ते और छाती पहलो लगाए और के तो मिले मल्हारो उठ के नेकी बदी दे समझाए जो न मिलिए सिर सवालो तो हम दिए प्राण गमाए आज एक हर कारा भाजत आवे आल्हा मंडली कै अवतारी और एक आपदा सर से टूटी दूजी विपत्ति रही अभेरारी और सुनी खबर आज बंगला की कपियो पूत देवला क्यारे और लाखन और सकल बना पर पहुंचे बंगला के रे मैदान और बहिया गए के सुत उदल की तवयाला ने कई सुनाए और गायक भैया पागल हो गए आज मोई रोई रोई रहे रुवाए और मरे मराए जो मिल जाते तो फिर सब लेते लौटाए और जाने जन्म लो दुनिया में मर के सुरग धाम में जाए और उदल ठाड़ो भाव बंगला में तब आला ते कई सुनाए और जो न मिले सिर साबालो तो हम मारे कंठ कटाए और जाए कि मिलिए स्वर्ग धाम में भैया मानो कई हमारे और बैया गए के तब उदल की और वाला ने कई सुनाए और तन कबिल में जा तू बंगला में कोई मन खे से दिए मिलाए देवी शारदा की मठिया में पूछो पूत देवला क्या लेके हब नया जुता लाने और मठिया में दौड़ जाए हाँ
बनौ रचाए अरे सुन पारानी जा सैया ते ठाड़ी माखी बदन पे बैठना जाए जे परत है दिखाए अरे बीच सभा सोने सिंहासन सोहत चौकी पे यार मलखान आबत देखो तो याजो भैया को खाड़ो हुई गो तो वीर मलखान पड़ती है मोई जियरा में मारे गए ते बना फरलाल तब मलिखान जान हस बोलो दादा पैया में पर जाओ तुम्हार अरे कैसे आए स्वर्ग धाम में रह रे प्राण जू रहो या कुल्यार तब ही आला जे बोलन लागे सुनियो पूतरे ही अनुपयाज अरे सिर सात तज के अपिरथ भी राज ने महुबे पे तो बजा लगाए दही जाए दही मदद रे मित्र लाखन ने नतिया पे बजी थी विषम तलवार अरे लाखन राना की जीत नदिया पे भजियो दिल्ली को यार चौहान सकल रे बना फरलाल अब प्रण कर लो है रे उदल ने हृदय पे लो है कतार जमाल क्यों बात क्या है मलखान जब पूछने लगे आखिर दादा उदल के हृदय पर कटार जमाने की कोई न कोई तो विशेष बात होगी सुनो भैया उदल रोबा तू है आज सिरसा में जय मोय मलखे से दीजो मिला अरे जो नए मिली है सिरसा वालो उदल दी है बाप प्राण गमान एक काल जग माही रच दो बिछुड़ रे रूप करतार जाने जन्म जू लाओ दुनिया में मर के स्वर्ग रे धाम में आए अरे अमर न जात न कोई दुनिया में केवल नाम रे अमर हुई जाए छोटे मच्छर को मच्छी देके मुंह अपने में बालेत है दवाए ता मच्छी को बुद्धा दुरु खावे ता दुर दाब के शर्प ले जाए सर पे न खुल रे खंड कर डारे
मार दबाए स्वन चपेट मन्यारी की कुत्ते चर खजे दाबिले जाए धरती में दे तू है मिला कहाँ तक कहे दादा हम तुमसे मर के जीव बा स्वर्ग में आए तासे लौट जाओ सिरसा को दीजो बाऊ दल को रे समझाए यादा दे रहो न पावे जो नारे सदिय करवाए जवाब दिया भैया जिस जीव ने स्नान सर्वान संसार में जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है जाके मेरे भैया उदल को समझा दियो और वक्त बहुत ज्यादा नहीं है जाते ही जाते गजमोतन को सती कराए कि मेरी लाश को दफना देना। समझ गए अमल खान कि जो जीव आत्मा इस नश्वर संसार से अपने शरीर से त्याज करके स्वर्ग में आ जाती है शायद उसे परिवार वालों की याद नहीं रहती। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें मलखा क्या कहोगे दादा क्या बोले हैं मंडली भैया आखिन में आंसू भर आए सुध गई थी बिरन की आई रे अपने भैया उदल कौन कदी जो बोल सुनाए रे बिलखिरा बू सिरसा में बाए दीजो धीर बधाई रे हिलकी लेकिन आज मलखे की आलन गही थी कलाई रे भैया 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 कह के उदल आज तो तेरा तू है और जल्दी चलियो सिरसा में तेरी आस अटा पहर तू है भैया ही लकी लेखे बात आज जान दिल की कह रही है अब तो ही लकी लेखे बात आज जान दिल की कह रही है दिल की कह रही है बात जान दिल की कह रही है अब तो ही लकी लेके बात के भैया मेरे नौजवान साथियों खुले शब्दों में जब मलखान को ये जवाब दियो है मलखान जवाब देने लगे भैया अगर उदल किसी तरह नहीं मानता है तो जिसके हाथों में तीन लोकों के शासन की बागडोर है
स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म अगर मुझे स्वर्ग से कुछ समय के लिए सिरसा में भेज दे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, वैसे मेरे शरीर पे अधिकार ना है भैया। तो ये दोनों आला और मलखान स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म विष्णु देव के दरबार में पहुंचे हैं, जहां पर नाना प्रकार से स्तुति आला ने विष्णु देव की है। और क्या कहने लगे पिताजी? आला, हाँ पिताजी, तुम तो इस संसार में अमर हो, मगर तुम पैरों का स्पर्श किया और आंखों में आंसू लेकर सिर्फ दो शब्द कहे पिताजी, मेरे आयवे को कारण कछु रहस्यमय ही किया। आज कछु दे रखो मलिके भैया सिरसा में पठवैयो, कछु देर को मलके भैया सिरसा में पठवैयो, उदल भैया मेरो मर रहो है, उदल भैया मेरो मर रहो है, मर बे से भाई बचैयो, महाराज जाय नहीं सिरसा वालो है, जाल में उदली अपने हने दुधारो है, बबला मर के सबरो कुटुम आज जा स्वर्ग में आ जाइए, बबला मर के सारो कुटुम आज जा स्वर्ग में आ जाइए। स्वर्ग में आ जाई है बबुल सब स्वर्ग में आ जाई है, अब तो मर के सबरो कुटुम पिताजी स्वर्ग में आ जाइए, विष्णु देव ने जब अपने परम भक्त के ये शब्द सुने, एक बात का ध्यान रखना लोगों, भक्तों ने इनको नाना भांत नचायो, लोक लाज तज दई आज इन बैकुंठ बिसरायो, भक्तों के लिए भगवान नाना प्रकार से नाच नची, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मैं तो यही कह सकता हूँ लोगों, परिवार वालों के लिए ही शर होता है, अगर उस स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए एक बार आंखों से आंसू बहाकर देखो तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। कही हमारे और जो मलखान स्वर्ग से जावे तो मर जाता भंग हुई जाए, और सती जाओ सिरसबा काजे प्रगट होवे लहस में जाए, आज पांच घड़ी में कारज करके सकती लगे स्वर्ग में आए, स्वर्ग से जाता है तो यह स्वर्ग का नियम भंग हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि पांच घड़ी के लिए हम एक ऐसी विशेष शक्ति भेज रहे हैं जो मलखान की लाश में प्रवेश करके तुमसे वार्तालाप करेगी और पांच घड़ी के बाद वो शक्ति पुनः स्वर्ग में आ जाएगी। हाय हाय, और जाके पोचो सिरसा में तब उदल ते कही सुना, मलखे आबत है अट्टा पे चल के भ्राता मिलो हर साई, और सकल महुबिया आज अट्टा पे हेरा तो बाटा मलहर जाई, इधर तो सभी परिवार वाले मलखान के आने की इंतजार कर रहे हैं। है है, तब तक क्या हुआ, स्वर्ग से वो शक्ति चली है, एक तीव्र प्रकाश करती हुई मलखान की लहस में जब प्रकट हुई, शक्ति चली सिरसबा पहुंची प्रगट भई थी लहस में जाए, अरे तो
तन बहारो आए गई रोनक उठ के खड़ो भावा मल खाने ले लई तेगा हाथ अपने में बोलो कि तेगा चौहान और फिर चित बतुए जग चहोरी देखन लगता दृष्ट कुताने देखे आला उदल तवला खन को करो प्रणाम और फिर से हुई उदल से बोलो तू छू आओ हमारे धाम और सुख में बसे जाए कनवज में अब मुख हमें दिखाई दो आए और तब ही उदल बोलन लागे भैया पैया परे तुम्हारे और तुम तो सुनते आज दुनिया में कोई अरे छोड़ सूर्य माना है और कोई ससुर धरन पे उपजो जाने तुम को दो गिराए और तम्मल खान जोन हस बोलो लोहरे पूता देवला क्या है और पांच घरी को हम आए भैया मिल ले भोजा पसारे और बिछुरन मिलन विपत सुख संपत भोगत जीव कर्म अनुसार दिल्ली से जब बड़ प्रथी ने घेरो सिरसा को मैदान और सात लड़ाई जा जग है भाई जीते जंग तीर चौहान और भेद बताए दो मैया ने और माहिल ते कही सुनाए और माहिल पूछ गए प्रथी ते प्रथी मोइली नो बुलवाए और फिर बुलबाई पास मोए पिरती बोले बचन प्रेम रस साने और रे मलखान जोन भटनागर तो समसूर है और नयान और जोहर प्रगट करो घुड़िया ने कितनी तेज उड़े आसमान और एड़ लगा बतौड़ी कबूतर दोनों ओर पंख दैतान तब हम बोले पिथी राजते तुमको जीत चले चौहान और सोई राजा पिथी राजन एक घुड़िया के हनो निशान और तू जो बान दो तरवा में तासो भाई प्राण की हान और मरती बार दिखाए दो पौरुष पट को पिथी राज चौहान और जब हम पटक चले बिरती को घर अपने की सीध लगाई आज भूरा सामत पिथी राज को दई पाछू ते सांग जवाई और मरती बार पेज प्रभुरा की छूते प्राण अटा पे आई जोबन परेसी सब हुरा को दी जो चिता मत डरवा ए ज्यादा देर होन न पावे दी जो नारी सती करवा और चार घरी में कारज करके हम तो जात स्वर्ग मैदान चिता रचाई और ब्याह बहोरन को करवाई हो बने तो गढ़ दिल्ली में जाई और नहीं तो अंत पुट मैं नहीं के करियो चौहानन भर जाई और तब गजराज सुता से बोलो दुलहिन मानो कई हमारी के गज मोतिन ने तव सैया ते कही सुनाए और सत्ताईस दिन भय अटापे बिलखत ला सतिया भरतार और वाय गऊ दलिया जो सिरसा में हमको सती दिए करवाए और प्राणन प्यारे पिया हमारे मत कहूं लियो अप्सरा ब्याए और तब मलखाना जोन हस बोलो दुलहिन मानो कई हमारे
और चिंता जियरा में मत करियो बरही नहीं अपसरा नारी। गजमोतिन तब बोलन लागी देवरा सुन ले अरज हमारी और ब्याव बहोरन को तब करियो पहले लीजो सुत निहारी। होता कुलक्षण जो तिरियन के सो हम तुम्हें दे समझानी और पिंडरी जबर बार जांगन पे लंबे हो इसी सके बार और बाई कोख पे जो तिल हो बे कब उन गोद खिलावे लाले। और पिंडरी जबर बार जांगन पे लंबे हो इसी सके बार घनी उंगरिया मोटी पिंडरी नारी कब हुन लइयो बिहाय और कड़े दंत कट बोलन हारी नारी कब हुन पावे दाम और विधवा बालापन हुई जावे पति को सुख न पावे बाम। इत पांच घड़ी में कारज करके झुकी अइला सुमलहारे क्यारी रोहा रात परो आंगन में मानो सिया हरन हो जाए और मूड़ मारे दो तो धरनी में चुरिया छार छार हो जाए और सुन बारानी फुल बारानी रो में छोड़ी छोड़ी बवकार और भिलकी बन गई अजवाला की धरती तब मूड़ मार फेरा और अब कब मिलियो सिरसा वाले ने कब भैया को दियो बताए। उत आला बोले तब उदलते भैया सुन ले अरज हमारे और बैरागढ़ की फूल बगिया से चंदन तुम लइयो कटवाए। आई फुकन ला सुमल खेती उदल सुन ले अरज हमारे और बाईस छकड़ा उदल लेके पूछे बैरागढ़ में जाए। उतहार सुनो बाई तमाहिल को जर बिरथी ते कही सुनाए और चंदन वाली फूल बगिया ते हाथी तुम दीजो लगवाए और तेरे हाथी खूनी करके आज बगिया में दए लगाए। जागत देखी उदय राजन सुरथी गई थी ने न पछाई। और नोहा तिन के दस राज सुत धड़ से ले गो सी सौतारी और छकड़ा भर के अज चंदन के और धूरे पे दहे डराई। औरी हम जोली चलिए तो गंगा मैया नहाया वे जमिनी रमन हो मेरी शरीर। औरी भाईली जमे निर्मल हो बे शरीर। औरी मेरी आली चलिए तो गंगा मैया। सिरसा पर सम्राट मलखान की लहास के लिए उदल ने जो बैरागढ़ के फूल बाग से चंदन कटवाकर शमशान घाट में डलवाए देवे हैं और इधर मलखान के आंगन में उसकी नवेली दुल्हन अपनी पिया के साथ अपने शरीर को जलाने के लिए सभी परिवार वालों के बीच में से निकलकर अपना श्रृंगार करने लगी। आज सिरसा पति के जब आंगन में सज रही दुल्हन आज यंगार कोई बैरागढ़ के फूल बाग से चंदन धुरे पे धगो तो डलवाई।
गज मोतिनी आंगन में साजे गहने को डिब्बा लाई उठाए कोई रेशम वस्त्र उतारे आंगन में धोती सिर पे ओढ़ लई जाए और पीत सुनहरी सब धोती है दुखिया सजन लगी है दुखिया कोई कुमर बहोरन गोदी मिले के और सासु लिखू दो तो गहाए और ठाड़ो कन्हैया जाजु आंगन में तब मैया से कहिए सुनाए कोई हम कुछ छोड़ के ओ महतारी कहाँ को चल दई मात हमारी और रोबत देखो तो जब बेटा को मैयन छाती तेलो तो लगाए जिंदा रहियो तुम दुनिया में हम तो स्वर्ग धाम में जाए भैया रोबत रोबत बेटा जज मैया ते बोलू है अब तो रोय के बेटा आज मैया से बोलू है बोलो अब तो रोए के बेटा आज मैया से इधर जैसे ही कुमार बहोरन की आंखें में आंसू आए हैं इधर तो पिताजी की लाश आंगन में 27 दिन पहले से पड़ी थी और एक मैया को सहारो तो जब मैया उसके पिताजी के साथ शरीर को जलाए को चली है 7 वर्ष का वो मासूम बच्चा आंगन में खड़े होकर सिसकने लगा और मैया के पैर पकड़ के बहुरन क्या बोला मेरी प्राणन प्यारी मात आज मोई गोद मिलिए तो उठाई रे मैया छाती से लियो लगाई रे चलती बिरिया बेटा खून का गोद मिलियो तो उठाई रे हम की नकी मैया सुमैया कह के मैया किने बुलाएंगे किनकी गोदी में मैया जू जाए के सुख उठावेंगे किनके आंगन में जननी हम जाए के दुख सुनावेंगे और किनकी गोदी में मैया रोए के जो दुख उठावेंगे आंखें आंसू भरे पूत जब गैया सोवे रायो है सुरजन चैतन्या जो धार में मोह की कैसे बह गयो है रोबत बेटे छोड़ मैया आंगन से चल गई है अब तो रोबत बेटे छोड़ दुखिया आंगन से चल गई है आंगन से चल गई है दुखिया आंगन से चल गई है
अब तो रोबत बेटे छोड़ के मैया। बहोरन की आंखें में आंसू देख के गजमोतिन का हृदय बेदीड़ होने लगा, लेकिन इधर तो पिया की वो प्रेम भरी वार्तालाप रूपी कहानी और इधर बेटे का प्यार है, लेकिन गजमोतिन ने अपनी पिया की ममता के आगे बेटे की ममता को ठुकरा दिया और पीछे सभी परिवार वाले ही। गजमोतिन अपनी पिया की लाश के साथ चलने लगी है। सिरसापद सम्राट मलखान की लाश आंगन में से उठ गई। चंदन चौकी अखू मंगवाओ तापे मलखे लो बैठा रे, और गंगा जल से आज सिरसा में धोए दैला समलहारे क्या रे, और सकल घर हुआ ही जल हसते सबके रहो तो रतन जल छाए, और लेके लाश आज भैया की सोट कठी फैलाई टी पढ़ाए, और उठो जनाजा तो मलखे को और मरघट को चले उठाए, और पीछे मैया है गजमोतिन रोबत रोबत चले अंगारे, और बाजे बजन स्वर्गते लागे मरदो सुनियो या रज हमारे, और आई फुकन लाश मलखे की उत माहिल ने कही सुनाए, राजा सुनिए या राजा हमारे, आई फुकन लाश मलखे की बिन हथियार बना फरला रे, और ऐसो मौको या बना मिलिए घिये देव कुंवर के लाले, अरे जितनी फौज है दिल्ली की सब सिरसा पे दियो चढ़ा रे, सुन ले अरज हमारी, और पहले मोहलत दही उदल को अब घट कर रहे संग अंगारी, ओ भटन की अब मन तुए सब दल चढ़ो पिथोरा रारी, और उतमे लाश मल्हारे जू की पहुंची मर घट के दरम्यानी, लेके लाश बना पर सब मरघट में आए गए, यारो लेके लाश भैया की उदल मरघट आए गए, मरघट आए गए ही उदल जे मरघट आए ही, यारो लेके लाश भैया की कन्हैया। इधर तो पृथ्वीराज चौहान की फौजों ने प्रस्थान करके सिरसा की तरफ को मलखान की चिता को घेरन को चले हैं, और उधर अपने भैया की लाश लेकर सभी परिवार वाले मरघट में सबकी आंखें में आंसू है। मलखान का जो छोटा लड़का बहोरन था, मैया चिता में कूदने वाली थी, लेकिन दौड़कर उस बहोरन ने अपनी मैया के पैर पकड़ लिए। मैया चलती बिरिया मोय मैया रीन का गोदी में उठा ले, मैया चलती बिरिया मोय जननी रीन का गोदी में उठा ले, दुनिया में कैसे रही री आंगू की राह बता दे, महाराज लला की हिलकी भरी आई है, और सुरजन चैतन्य की बाजा पे छाती फट गई है, भैया ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है, ओ मेरे
मेरे पूजी गुरु आधार धार में नैया अटकी है। नैया अटकी है दुखिया की नैया अटकी है, ओ मेरे पूजी गुरु आधार धार में नैया अटकी है। मेरे नौजवान साथियों, मैया की आंखें में आंसू आए गए, पिया की लाश को तो वहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ के गजमोत ने अपने मासूम बेटा को कलेजा से लगा लिया और क्या बोली, बहुरन तेरी जो आंखें में आंसू है एक एक आंसू मेरे हृदय को विदील कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रख, जो जन्म ले सो मरत है, कर सबर दिल में लीजिए, एक बार मेरी गोद में मोए प्यार बेटा दीजिए। होनी बड़ी बलवान है, ताली किसी से ना टले, इस कर्म की गति कठिन है, जानी किसी से ना परे। क्या बोली मैया, बेटा मुझे दुख तेरे बाबुल को ना है, जिस वक्त मेरी सगाई तेरे बाबुल के साथ भाई, उस दिन मेरी किस्मत को खेल मेरी आंखन के आगे हतो, और तब तक गजमोतन की जितनी सखियां आती सब दौड़ के मैया के पास आ गई, क्यों ये अंतिम दिन था लोगों, और कुछ ही पल में गजमोतनी संसार को छोड़न वाली हती। अपनी सासुर के पैर गजमोतनी ने पकड़े और आंखें में आंसू लेके बोली, मैया मेरे कुमार बहोरन को मैया मेरी दुख का बहू मत दीजो। मैया मेरे कुमार बहोरन को मेरी मैया दुख का बहू मत दीजो, जा पे जो कछ गलती बन जायरी ध्यान मत सासुल दीजो। महाराज पूत प्राणन ते प्यारो है, और यकिलो बेटे छोड़ी सिदारो सिरसा वालो है। गजमोत ने आगे बढ़ के अपनी बेटा की कलाई अपनी सासुलिया की बाह में दे दी और क्या बोली, मैया दुख में जा बात को ना है, लेकिन दुख एक बात को है, जिस वक्त मेरी शादी मेरे पिया के साथ भई थी, उस दिन मेरी किस्मत को खेल मेरी आंखें के आगे है। तो मैंने दयो पे ज्ञानी पे पाओ पे ज्ञानी रथ की टूटी, और रथ के भीतर गई गूंजा मेरी नथ की टूटी। बहना जई की सुमती के खेल, तब सखियन ने कई बिहन तेरी किस्मती फूटी। दुखिया रोई रोई के रइये भेराए, कुमार बहोरन गोदी ले लो, मर घट रोई रोई के रइये समझाए, ठाड़ो कन्हैया बू दिवला बालो। पृथ्वी राज ने आज उमर घट में सबरी फौजे बेदही चढ़ाए, बोलन लागे भाभी पैया में पर जाओ तुम्हारी।
घिर गए बिना हथियार, अरे कैसे रक्षा में जा मर घट में, और तेरी भाभी में लियो करवाए। सजाया जो सैया को जज मोतिन ने जा कही है सुनाए, अरे चिंता जियरा मेरे मत करियो, लोहरे पूतरे दे वाला प्यार। अपनी पिया की लाश को लेके जब गजमोतिन चेता में बैठी है और ईश्वर को ध्यान किया, जिस वक्त सीता जलन लगी है, गजमोतिन ने क्या किया? उदल, हाँ भाभी, जरा सामने देखना। और जिस वक्त उदल की नजर उठी है मरघट में, दशा क्या थी लोगों? सुना, अरे लेके चेहला पा फेकन लागी, जिनकी दो लंगा को धार। जो चंदन के टुकड़े मलखान की लाश को जलाने के लिए रखे गए थे चेहला, गजमोतिन अपनी पिया के धर्म को समार के जब चेहला फेंके, दोधारा बन गए लोगों, दोधारा। अरे भैया, जब तेरा सामने पड़े हुए देखे ना, क्या दशा हुई? अपने अपने कहते का लेके टूटे गोलरे नरेशन ज्ञान, अरे मानो भारैया के अंडन पे प्रभु तो गज घंटा रे ररकार। चिरे बंसरे बना फर प्यार, अरे सुन सुन सोर रे घोर सिर सामे, भीषण लग गो बेंदुला बाज। इधर तो पृथ्वीराज चौहान और महोबे बालों का संग्राम चल रहा है, और इधर जो उदल का अश्व था जिसका नाम था रस बेंदुल, जैसे युद्ध होता हुआ उसके कानों में आवाज पड़ी है ना, सुन सुन सोर रे घोर सिर सामे, भीषण लगो है बेंदुला बाज। अरे छुटके बेंदुला आज खूटा ते, और बाऊ दल ते रहो है नगजार। अरे बिना लगा मरे रास बिन कांटी, घोड़ा जी तू चाहे रे उतुजाए। भरत है हरैया जब पूरब ते, और बा पश्चिम में दे में लगाए। तो हरैया जब उतरते, और बात दक्षिण में देवे लगाए। आज बेंदुल खेतन में नच रहो है धीरे धीरे, और उदल मन में हंस रहो है धीरे धीरे। कबं घोड़ा धरती पे नाचे, कबं घोड़ा धरती नाचे, धरती नाचे।
धरती नाचे कबहू बाज जाको धरती पे नाचे कबहू अमर में पंख फैलाए रहो है धीरे धीरे और उदली खेतन में लड़ रहो है धीरे धीरे इधर तो देशराज का छोटा लाल उदल खेतन में लड़ रहे हैं एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौजें हैं एक तरफ महोबे वाले जवान हैं युद्ध करते हुए जब उदल अपने अश्व को नचाता हुआ आगे बढ़ाए मस्तिष्क में झटका लगा मरने से पहले मलखान ने मुझसे कुछ कहा था क्या भूरा सामत को शीस मेरी आगे में डलवाइए सामंत को सीसुरे मेरी आग में तू डलवाइए मेरी मैया के लाल रे मेरे प्रण को आज निभाइए महाराज उदय सिंह आगे बढ़ गए हैं और लड़ रो खेत में जाए के भूरा नजर पे चढ़ गए हैं ठाड़ो देखो तो अभूरा को तब उदल ने कही सुनाए और बहुत देर के तुमको ढूंढे तुम नए हमको पर लखाए और कहां पिंजरिया लोहे वाली जामे लियो प्राण बचाए और तुम्हें कसम है बाकावे की जो तुम हमको धरो उठाए और तब ही भूरा बोलन लागो उदल अकल गई बोराए और अकेले मल्हारे के मरवे में हो गई नाट महोबे क्या और जितनी ताकत थी मलखे की नाय भूवंश बना फरलाल जर के उदल रोट हो गयो तच भूरा ने कही सुनाई नामी अंश वंश महुवे के ठाड़े हाथे बना फरला और छोटया अपनी पहले कर ले ना हक स्वर्ग बैठ पछताओ और जितनी मारे थी भूरा की काटी देश राज के लाल और तच के उदल बोलन लागो समरो दिल्ली के चौहान और एक बेर के धर के झपटो धड़ से ले गो सी सौतारे और अरथी जाए परी धरनी पे जा पे खड़े धनी चौहान और लेके सी सचिता में डालो अरथी दई भवज को जाए और जार जार अरथी जहरानी एकदम शब्द भवो किलकाए और जा सिर साके सत खंडा पे रहिए विजय बना फरलाल और वही तलैया बैरागढ़ की माँ प्रताप पुरा गुहार और वहाँ चनेले मारे जाए करे घाट महल परिहार और बेला भवानी के गोने में सबरो खुरमा जाए नसाए और कबई उदल बोलन लागे भाभी सुन ले जरज हमारे और एक शीस की कोनो चलावे देवे पांच शीस चढ़वाए भैया इतमे मैया की चिता आज उमर घट में जल रही है यारो इतमे बाकी चिता आज धू धू कर जल रही है मर घट में जल रही है चिता मर घट में जल रही है भैया लख के बाकी चिता आग जब पेट में लग रही है इधर तो मेरे नौजवान साथियों मलखान की लाश मरघट में जल रही है इधर अपने अश्व को नचाता हुआ उदल शिरसा के सघन मैदान में युद्ध करता हुआ पृथ्वीराज चौहान के पांच सामंतों का शीश अपने भैया की चिता में डलवा हुए अगर भैया हो तो ऐसा हो लोगों
अंतिम बार दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज और कन्नौज के सम्राट लाखन का मोर्चा लगा है। युद्ध के मैदान में खून की धारें बह रही हैं, लाशों के अंबार लगे हैं। क्या दशा युद्ध की? आज आदि भयंकर झूमत आवे, घंटन सब दर हो तो गहराई, नदिया बेत बेसया जो सिर सालो, धार से धार मिली तलवार, आगे बढ़ के जो लाखन राना, और पीरथियत कहिए सुनाए, काए को करते आज गनीति, ऐसे चिता लई थी घिरवाए, काए को मोहलत राजा दे दई, काए को फौजे दई चढ़ाए, तबैया पीरथिया बोलन लागे, सुनियो कन बज के रे सरदार, शाम दाम और दंड भेद से हम बैरिया कुआ देवे मरवाए, इतनी सोने के लाखन बोले, और घटिया वंश धनिया चौहान, तब कल नाए परिय पीरथी को, और लाखन ते कहिए सुनाए, कही सो कह लई अब ना कहियो, नर में ठास दे तलवार, तब लाखन बोलन लागे, राजा सुन ले अर्ज हमारी, अपनी करनी मैं जो चूके, तो क्षत्रिय नाय असल गुलाम, हट के कदम धरे जो सिर साते, ताके एक माए दुई बाप, तो खती बोली लागी गोली, सीना फोरी भैया बापार, आदि भयंकर आज राजा ने, और लाखन ढेंग दौ तो लगाए, फिर के पिरथिया बोलन लागे, संग गुलामन के रे तुम आए, शर्मन आई कनौज राज, अरे लेके माला नवरत्न की, लाखन गले में दई दरबारी, हुए जाओ तुम ही को राज महोदे क्या, अरे हस के लाखन बोलन लागे, घटिया वंश धनी चौहान, कहे दोगला कर तो दोगला, नैने असल बाप को लाले, गुलाम आला हम भय गुलाम, जो हम करिए दोस्ती आई, और गुलाम गुलामा तुम बतिलमा, ब्याही लली गुलाम अनुजाई, अरे बेला ललिया तुम्हारी राजा, सोतेगा बल लई बिहारी, सुनियो यार रज हमारी, रोहंदा समीर बाबा जी ने मोई छाती से लो लगाई, और भुजा फड़क रही आज पृथ्वी की, कदम दो जू हुकुम चढ़ाई, और जान न पावे लाखन राना, सबके मुड़ ले खंडवा, और सिरसा वाले मैदान में सबरी फौज दई चढ़ाए, और एक अलग फौज है या फिर की एक अलग फौज बना भर जाए, और हसी सारदा धोरा गढ़ पे देखे कि न पे राम रिसाए, और चली सारदा जज मठिया थे चौसठ जोगिन संग लगाए, और ले ले खबरा नचे जोगिनी कालंग कांत समर मल खान, तो उदा
बदल ले मन में जानी मर दो सुनियो जरज हमारे एक अलग राजा सबदा भेदी चक्कर धनी कनौजी राय और जाको हाथ गारू छूटे ताई लग सो कमुक मिल जाए लेके बेदुल को आज कूदल पोचो खेतन के दरम्यान लगो मोर चाहे लाखन को पिरथी ले लई लाल कमाल और चट को घोड़ा जादू दल को घोड़ा आसमान में जाए और पिथी राज के रे मोहरा पे गरजो दे सराज को लाल और काय को राजा कर सकनी थी उलटी रीते रहे चलाए और ना चढ़िया है राजा जे चल ना चढ़िया है राजा परमान अब तुम्हें मुनासिब जाना चाहिए जो लड़कन पे कसो कमाल इतनी सुन के उदल गर जो लोहरो पूत देवला क्या काल कला कव जा मत कहियो पीली लगा बना भरलार सावधान होना में हो जाओ राजा दिल्ली के सरदार और रस्ता काट दे होदा के होदा धरन गिर तुम भैराज राजा गिर गो जब धरनी में उदल छाती बनो सवार लेके तेगा याद उदल ने और हृदय पैदा हो लगा हम तुम्हारो पेट फार दे कौशल धड़ से ले वे उतार अदब तुम्हारो हम मानते हैं तुम मेहमान चले ले रहे एक चुटके न राजा हाँ खावे मानो पूता देवला क्या तेरी महोबे की जगह पे चढ़ी है ना ये धनी चौहान सब दल रेन बेन हो जाए अब कुमर बहोरन सिर सा बालो ऐसे गद्दी दई गहाई और देख गद्दी बेटा को जब सबरे चल महुवे मीना भैया बैठे राठौर घड़ा पे धीरे बैठे ही राठौर ठोर पे धीरे हंस रहे हैं धीरे हंस रहे हैं कथा कैसी तुम्हें भर रहे हैं भैया बैठे ही राठौर ठोर पे इस तरह से मेरे नौजवान साथी पृथ्वीराज चौहान और बनाफरों के बीच घमासान युद्ध हुआ अपनी भाभी को सती कराने के बाद सिरसा के मोर्चे पर पृथ्वीराज की चौहानों पृथ्वीराज चौहान की फौजों को परास्त कर देते हैं और मलखान के लड़के बहोरन को सिरसा का सम्राट बना देते हैं। इस तरह से बनाफरों ने अपनी भाभी गजमोतिन को सती कराए हुए गजमोतिन को सती कराने के बाद ये सभी बनाफर लोग सिरसा से प्रस्थान करने के बाद पुनः महोबे की सीम पर आ गए हैं और कीरत सागर की पार पर सभी बनाफरों के डेरे लगे हैं। इधर मैया मल्हना को जब ये खबर लगी है कि उदल और लाखन सिरसा में गजमोतिन को सती करा के लौट आए हैं, मल्हना अपने बिछड़े हुए लाल के लिए खत लिखने लगी जिसे एक वर्ष पूर्व महाराज परमाल ने महोबे से निकाल दिया था। क्या लिखा खत में? धीरे धीरे पाती मल्हना मैया लिख रही धीरे 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 पाती मल्हना मैया लिख रही जी ए जी सुदी गई है हमें सुदी गई है उदल की जाए आई धीरे धीरे पाती मल
कितना मैया लिखी रही बेटा आइए मेरे शहर में जी उदले बेटा आइए मेरे शहर में जी ए जी छाती सो लिए चिपटाई धीरे धीरे पाती मलना मैया लिखी रही अरे चल के आइयो तुम महुबे में लोहरे देसा राज के लाजी और फिर आबाद होए दस पुरवा जो पिरथिया ने दो तो पूजा अरे लेके चिट्ठिया या जो मैया ने हलकारा को दई गहा और बाची पाती आज मैया की और जल कोर कोर हुई और बेई महोबो बेई मलना बेही बसत राजा परमा और तनिक बात के ऊपर लाखन मोए भादो में दो निकाली लाखन बोलन लागे सुनियो मित्र बना फरलाल और जल्दी चले जाओ महुबे में मानो पूत देवला क्या रे बोलू चाचा सैयद आए तब लाखन ते कही सुनाई खाए खाए अरे जितने आए हैं महुबे में सबरे देना हाजरी जानी शब्दों में सैयद ने जवाब दिया है लाखन जितने इस महोबे के मैदान में युद्ध करने के लिए आए हैं बामनगढ़ के सम्राट इस महोबे की तपोभूमि पर मौजूद हैं और हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी जवान महोबे के सम्राट परमाल की कचहरी में हाजिरी देंगे एक जामन भाई गई लाखन के सब सवाल जुड़वा और पहले राजा ने ना गढ़ के और लाखन ने लय बुला और तुम सब चले जाओ महुबे में अपनी दियो हाजिरी उधर सजता महुबो या जो राजा को गली गली जाते डरवा घोड़ा सब रैयत के बंधत दुआर कल सा चमकत है सोने के ऊपर नगनी झकोरा खाई पहले राजा ने ना गढ़ के और लाखन ने दैत भिजवाई और लखी बनावट जब महुबे की घर घर बसतर राजा परमाई
पर जितने राजा बामन गढ़ के दए खनाई और जब हर कारा गौ बीर सिंह पे चलियो बिरिया के सरकार और सब राजन ने गंगा खाई तुम चलियो संग हमारे और तब ही बीर सिंह बोलन लागो हर कारा ते कही सुनाई अरे ज्योत्र ज्योति हम उदल की ना हम बस और है का चीज चनेले राजा पर पुलिया सोनिए उठाए और जाए के कह दी जो उदल से बिर सिंह देना हाजिरी जारी और बेई का जन्मो है मैया के हम का श्यार लए अवतारी छरकारा हुन से लोटू और उदल से कही सुनाई और बीर सिंह राजा बिरिया बालो नए बुजिया तो बना फरलाली और सुरती चढ़ गई तब उदल के आंखें लाल बरन घेराई बनो असवार और बीर सिंह राजा के तमन में एक नवया गीत लगाए और रसा काटी दे तमुआ पे राजा धरनी रत भराए और कहो हम तुमर पेट भर के कसर धड़ से ले में उतारे और छुटकिन राजा हा हा खावे मानो पूत देवला क्या वही उदल बोलन लागू राजा अकल गई मोराई जय हम बानी एक बेर किता सबेर ले बघवाई और बीर सिंह बोलो तब उदल से लोहरे पूत देवला क्या रे और पांच सूर की मर्जी कर देव ना मेरो नाम दूर हो जाए और हे का चीज चनेले राजा पड़ पुलिया सोनी उठाई इधर तो बीर सिंह सागर से कन्नौज के सम्राट लाखन की सभा से निकलकर महोबे में हाजिरी देने को चला है और उधर पृथ्वीराज चौहान ने लहसों का गरगद लगाकर हर सम्राट का निरीक्षण कर रहे थे क्या हुआ एक गलम गारी गज पे थी राजा ने और लासे न को लाओ लगा और बीर सिंह राजा गौ गर गज ते धक्का बीर सिंह तो लगा और राजा गिर गौ तो धरनी पे सर से मुकट गिरो भैरा तबई राजा बोलन लागे केला हम को दिए बताए और कौन सो राजा जुआवत वे शंका खात कने जा जाए ओ चंद्र भट्ट तब बोलन लागो सुनियो शब्द वेद चौहान राजा बीर सिंह बालो महुबे देन हाजिरी जानी और वैसे से दाने उदल बांधे हो का माल धनी चौहान और मन हमारे जैया बतिए समझ सुमेले महुबे जानी और उए बीर सिंह महुबे में तो सुनियो यार हमार और बीर सिंह पहुंच गओ गलियन में आज तहलका दो मचा और
भी पूरे खाना कुआं छिल्ला है। अब सिंह राजा के डर के मारे बेटा दुबके कोठरिया न जाए। और हाली गर्दी फिर गई जर्दी मानो हरदी दई फिराए। और राजा पर माले गद्दी पे कदम झुकन लगे घेरा। और मन में जानी अब उदलनी ही नहीं होते महोबे क्या। लेकिन ते गाया उदलनी सुबीर सिंह पे धरो जमाई। बहुत रजा परमाल और सिया भने जा उदिया ठाकुर मारे पिरिया के मैदान। ओ तबई अबिर सिंह बोलन लागो सुनियो बंश बना भरला। कैसे ना कुछ होता चले ले सो सब समझ लई मन माए। और तेरी दम के हम काए ले चाहे कछ करो बना भरला। तीन घड़ी को उदल मर जाए सब जग दखल ने करवाई। भैया फिर काले उदल ने आज बीर सिंह को ढाल रोए। यारो फिर काले उदल ने आज बीर सिंह को ढाल रोए। बीर सिंह को डारो है यारो बीर सिंह को डारो है। बामनगढ़ के जितने भी परमाल के अधीन राजा थे सब ने अपनी अपनी हाजिरी परमाल की सभा में दई है। और अंत में कन्नौज के सम्राट लाखन की जोली जिस वक्त परमाल की सभा में पहुंची है सभी महोबे बालों ने खुशी से लाखन को अपनी गोद में उठाओ है। और बड़े ही हंसी खुशी के साथ परमाल ने मुभार व्यक्त किया है। लाखन को सिंहासन पर बिठाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वो समय संपन्न हुआ। और इस तरीका से ये वनाफर जो महोबे से निकलकर रिजगिर में बसे हुए थे लौटकर पुनः अपने देश में आ गए हैं।